बताऊंगा मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरह से हम अपना पूरा चलिए पहले तो हम शुरू कर लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच योर राइट हैंड अप, ऊपर खींचिए, चेंज, दूसरा हाथ ऊपर, फिर से चेंज, दूसरा हाथ ऊपर, फिर से चेंज, 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 वेरी गुड। दोनों हाथ नीचे, नाउ नेक अप डाउन, ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट नीचे, अप डाउन, 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 नाउ सेंटर, राइट लेफ्ट, 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 नाउ सेंटर सर्कल, ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे, कीप गोइंग, शाबाश, चलते रहें, ब्रीद इन ब्रीद आउट, नाउ दूसरी साइड, वेरी गुड, एंड फाइव, नाउ सेंटर, साइड 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 साइड, चलिए दोनों हाथ आगे, इस तरह उंगलियां चलाइए। हाँ तो देखिए, अभी मैं एक नया वीडियो इसका बनाऊंगा लगभग दोपहर के समय, कि किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट, इन 21 दिन का हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, ठीक है। तो देखिए, एक पॉजिटिव थिंग जो मुझे लगता है, मुट्ठिया बंद रोटेट योर रिस्ट, इस तरह के, अब वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ को अपनी हॉबी बनाना है, उसको 21 दिन तक करिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन, इसमें पॉजिटिव चीज़ जो मुझे दिखी है, दूसरी साइड रिस्क घुमाइए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें तो आपको बहुत लोग बता देंगे, बट पॉजिटिव चीज़ें इसमें देखिए। देखिए, हम लोगों में बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जिसको हम चाहते हैं कि ये मैं करूं, और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसको हम सोचते हैं कि ये आदत मैं छोड़ूं, है ना, अप डाउन इस तरह। तो 21 दिन तक करना है, और 21 दिन का ही लॉकडाउन है, विच इज़ गुड। तो इस समय सिर्फ आपको मिनिमम एफर्ट के साथ कोई भी, जैसे आप अपना कोई एक गोल बना सकते हैं कि मुझे ये आदत है, इसको छोड़ना है, इसमें मिनिमम एफर्ट लगेगा आपका, गवर्नमेंट इज़ विद यू, नेचर इज़ विद यू, एवरीवन इज़ विद यू। तो अपने एक चरित्र का निर्माण करना है, नाउ रोटेट योर शोल्डर्स। 21 दिन के बाद जब आप घर से बाहर निकलेंगे, तो एक अपने आप में एक डिसिप्लिनड और नए व्यक्तित्व को पाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है, नाउ आप लोगों पर है, डिपेंड करता है, चलिए दूसरी साइड के, किस तरह से आप इन चीज़ों को लेते हैं। मेरा तो यही मानना है, देयर वर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें थी जिसमें मैं चाहता था कि मैं इसको छोड़ दूं, कुछ चीज़ें थी कि ये क्वालिटी मेरे अंदर होनी चाहिए, मैं उसको 21 दिन तक फॉलो करूंगा, ठीक है। नाउ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, आई विल लिव अ डिसिप्लिन लाइफ, सुबह जल्दी उठूंगा, इनहेल एक्सहेल, सुबह सुबह एक घंटे योग सेशन जरूर करेंगे, ठीक है। ये आप ऐड करिए, हर कोई चाहता है कि हम सुबह सुबह उठें और कोई योग अभ्यास करें, कोई व्यायाम करें, तो आपके पास मौका है। एंड आई प्रॉमिस यू ऑल पीपल कि मैं यहाँ से आप लोगों को असिस्ट करता रहूँगा, जितना मेरे से होगा, आई विल डू दैट फॉर श्योर। चलिए, नाउ रोटेट योर वेस्ट, इस तरह डीप ब्रीदिंग के साथ। तो जैसे कुछ लोगों का हो सकता है रेजोल्यूशन के मुझे वेट लॉस करना है, तो 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज लीजिए, ठीक से खाइए, टाइम पे खाइए, घर पे रुकेंगे, जो जितना काम होगा उसको ठीक से करिए, और लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका एक वीडियो मैं आज दोपहर में पोस्ट करने वाला हूँ, तो उस वीडियो को देखिए। बाकी हमारा ज़्यादा कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ हमें अब मिनिमम एफर्ट लगाने हैं अपनी तरफ से। अगर आपको नॉर्मल डेज में नहीं 100% एफर्ट लगाना पड़ता अपनी किसी बुरी आदत छोड़ने के लिए, तो इस समय सिर्फ 20% एफर्ट में वो छूट जाएगी। सिर्फ आपको अपने अंदर से तैयार होना है, गवर्नमेंट ने आपका साथ दिया है, नेचर ने अपना आपका साथ दिया है, ठीक है। तो चलिए, दूसरा नहीं, सो दिस इज़ व्हाट पॉजिटिव थिंग मैंने इसमें जो देखा है, और
बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बोलने के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी तो सिर्फ योग अभ्यास में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। नाउ एंकल अप डाउन, इस तरह अप डाउन, सर्कल। अगर कैमरा में कोई प्रॉब्लम है, आप देख नहीं पा रहे हैं, तो अगर कैमरा ठीक है तो इट्स ओके, दूसरी साइड। नहीं तो मुझे कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं दूर खड़ा हुआ हूँ। आप जैसे ही कॉल करोगे मुझे तो वो मुझे रिंग बजेगा एंड आई विल अंडरस्टैंड कि मुझे कैमरा सेटअप करना है। नाउ दूसरा एंकल अप डाउन, इस तरह, वेरी गुड, सर्कल। दूसरी साइड, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट। तो अब जो लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, अपने ऑफिस में जो कोई आपके कलीग्स हैं वो करना चाहते हैं उनको जोड़िए, उनको वीडियो शेयर करिए और एक पॉजिटिव चेंज चलाइए, जिससे लोग और थोड़ा ऊपर नीज अप इन चीज़ों को फॉलो करें, जिनसे लोग एक हेल्दी और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को फॉलो करें। नीज आप थोड़ा और ऊपर चलते रहें, शाबाश। अप 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 अप, रुकना नहीं है किसी को। और अभी हम जो लोग हमसे वन ओ वन या ऑनलाइन योगा क्लास लेना चाहते हैं, हम एक ऐप है, एप्लीकेशन पे ऑनलाइन योगा क्लास दे रहे हैं। जो लोग लेना चाहते हैं ऑनलाइन योगा क्लास, वो कमेंट में यस लिख के हमें मैसेज कर दीजिए कि वांट टू जॉइन, पीछे की साइड ऑनलाइन योगा क्लासेस, हम उस पर कुछ काम करेंगे ज़रूर। चलते रहें, कीप गोइंग पीछे इस तरह। और यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा के नाम से, आप उस पर भी जाके हमारी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को स्किपिंग इस तरह फॉलो करें, सब्सक्राइब करें वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा, जिस पे हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम लाइफस्टाइल को किस तरह से ठीक करें वो चीज़ें हम पोस्ट करते रहें। वेरी गुड, तो प्लीज़ शेयर करते रहिए वीडियो। जंपिंग जैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Keep going. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Keep going. 12, 13, रुकना नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. चलिए आगे पीछे चलिए, डीप ब्रीदिंग करते रहें। चलिए शाबाश, अभी हमें स्क्वाट्स करना है, ठीक है मेरे साथ। और जब हम नीचे जाते हैं ना, तो कोशिश कर, आपका ये नी, काफ़ी लोग ना घुटने आगे कर लेते हैं, आगे नहीं करना, जैसे चेयर पे बैठते हैं इस तरह आप, ठीक है। एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए फिर ऊपर आइए। चलिए स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ करना है, चलिए फॉलो स्टार्ट। चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, शाबाश करिए, 2, 3, 4, 5, 6, कीप गोइंग, 7, 8, 9, नीचे रुकना है सभी को, 10 काउंट तक रुकिए, होल्ड फॉर 10, 9, जितना हो सकता है उतना ज़रूर करें, 8, थोड़ा पुश करें अपनी बॉडी लिमिट को, 7, 6, 5, 4, वेरी गुड, 3, 2 एंड कम अप, वेरी गुड। चलिए आगे पीछे चलिए। तो जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं,
अगर आपको हमारे योगा लाइव योगा सेशन पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, अपनी पूरे फैमिली मेम्बर्स को जोड़िए, रिलेटिव्स को जोड़िए, कलीग्स को जोड़िए, स्टाफ में, ग्रुप में जोड़िए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप का कोई भी सजेशन है तो वो सजेशन भी ज़रूर दें। और आप लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं तो दैट गिव्स मी मोटिवेशन, मोटिवेट करता है सो दैट हम उसमें और काम कर सकें। चलिए, इंटरलॉक योर फिंगर्स, और हमारे पेज पर आप अपना रिव्यू भी लिख सकते हैं। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड होल्ड, होल्ड करें। आप रिकमेंड कर सकते हैं हमारी क्लासेस इफ़ यू लाइक, है ना। एंड आई नीड ऑनेस्ट कमेंट, इस तरह के कमेंट नहीं कि खुश करने के लिए, देयर शुड बी एन ऑनेस्ट कमेंट। अगर कहीं पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है प्लीज़ लेट अस नो। एक्सहेल डाउन, थोड़े पैर खोलिए, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए सांस छोड़ के राइट, लुक अप, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के लेफ्ट, ऊपर, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप 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 डाउन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, कीप गोइंग। इनहेल अप, एक्सहेल बोथ हैंड्स डाउन, थोड़े से पैर और खोल लीजिए इस तरह, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, खींचिए बॉडी को ऊपर खींचिए, और एक्सहेल करते हुए टेक योर बोथ हैंड्स डाउन, जितना नीचे आप हेड को ले जा सकते हैं, ठीक है, जो लोग लगा सकते हैं हेड को ज़मीन से, लगा के थोड़ी देर रुक जाइए, होल्ड फॉर सम टाइम, डीप ब्रीदिंग, फॉलो योर ब्रेथ, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, कीप फॉलोइंग योर ब्रेथ। सामने देखिए, यहीं से इस तरह दोनों हाथों को अपने शिन बोन पे रखिए, ये 90 डिग्री एंगल, यहाँ से इस तरह से पेट अंदर, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, और दोनों हाथ आगे, होल्ड करें कुछ समय और, इनहेल अप, थोड़े से पैर अंदर, दोनों हाथ नीचे, यहीं से थोड़े से अंदर करने हैं, गो बैक, लुक अप, डीप ब्रीदिंग करते रहें। अब यहीं से दोनों हाथ उठाते हुए सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, राइट हैंड से लेफ्ट लेग पकड़िए, लेफ्ट हैंड अप, होल्ड, डीप ब्रीदिंग, चेंज, दूसरा, नाउ कीप चेंजिंग, वन फास्ट, टू और फास्ट, थ्री फोर फास्ट करें, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कीप गोइंग, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, वेरी गुड, दोनों हाथ नीचे, टोज हील करते हुए अंदर आ जाइए, घुटनों पे हाथ रख के ऊपर आ जाए, इनहेल बोथ हैंड्स अप, एक्सहेल बोथ हैंड्स डाउन, वेरी नाइस, मैट पे आगे आइए, दोनों हाथ एट योर हार्ट सेंटर, इस तरह से श्वास भरते हुए पीछे जाइए, अब बॉडी नी बैंड नहीं करना है, यहां से पेल्विस से पीछे जाना है, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, गो बैक, लुक अप, होल्ड, डीप ब्रीदिंग, हाथ सीधे करिए एकदम स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए नीचे, जितना नीचे जा सकते हैं आप लोग, काफ़ी लोग नीचे हाथ नहीं लगा पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, विद प्रैक्टिस यू कैन डू दैट, तो जितना नीचे, इतना नीचे गए इतना चले जाइए, जो लोग ज़्यादा जा सकते हैं वो और नीचे जाइए, पेट अंदर करिए, सांस छोड़ के थोड़ा और नीचे जाएं, और थोड़ा नीचे जाइए, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, और थोड़ा नीचे जाएं, रुकिए थोड़ी देर यहीं पे, होल्ड, स्ट्रेच योर हैमस्ट्रिंग्स,
calf muscles pe stretch feel kariye. Maximum weight should be on your toes. Panjo pe maximum weight rakhne ki koshish kare. Thoda aur niche jaye. Yahi se ghutne modiye. Ghutno pe haath rakhiye. Saans bhar ke upar aaiye is tarah. Saans chhod ke dono haath kamar pe is tarah. Saans bhar ke fir se piche jaiye. Stretch your stomach and stretch your neck. Go back. Very good. Stretch. 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 Go back. Go back. Go back. अब यहीं से दोनों हाथ ऊपर उठाइए. सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे. Hold your heels. Heels पकड़ लो जो लोग पकड़ सकते हैं. यहाँ पकड़ सकते हो यहाँ पकड़िए. Maximum weight पंजों पे रखिए. पेट अंदर करिए. सांस छोड़ के और थोड़ा नीचे जाइए. Hold for 10. Deep breathing. जब भी आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा और थोड़ा और नीचे जाइए. Go a little more down. और थोड़ा नीचे जाएं. Very good. रुकिए थोड़ी देर. रुकिए रुकिए रुकिए. सभी लोग यहीं पे रुकिए. पेट अंदर सांस छोड़ के थोड़ा और नीचे जाएं. Go a little more down. थोड़ा और नीचे जाइए. जाइए थोड़ा नीचे जाइए. Very nice. जो लोग हमें देख रहे हैं जो फॉलो तो सभी लोग अपना अपना मैट लेके आइए और मैट पे योगा अभ्यास करिए. और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम लोगों के साथ. हमारे फेसबुक पेज वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा को लाइक करें सब्सक्राइब करें. और हमारी ऑनलाइन चलिए यहीं से घुटने मोड़िए. घुटनों पे हाथ रखिए. इनहेल कम अप. एक्सहेल बोथ हैंड्स डाउन. थोड़ा ट्विस्टिंग करें आप. आप लोगों के कमेंट रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं. ठीक है चलिए. तो आज का जो हमारा फ्लो होगा द स्ट्रेंथ योगा फ्लो जो स्ट्रेंथ योगा में मैं फॉलो करता हूँ द स्ट्रेंथ योगा फ्लो. हो सकता है काफ़ी लोगों को थोड़ा मुश्किल लगे तो आप उसका इजी वर्जन कर सकते हैं. वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा. ठीक है तो चलिए बी रेडी टू स्टार्ट द फ्लो. यहीं से दोनों हाथ ऊपर उठाए इस तरह. गो बैक. दोनों हाथ इस तरह घुटने मोड़ के नीचे रखिए. सामने देखिए. देखिए इस तरह से ये घुटने मोड़े रहेंगे. स्टमक अंदर. चिन को नीचे लगाइए. होल्ड. यहीं से अब जो लोग कर सकते हैं वो मेरे साथ करें. जो नहीं कर सकते वो एक एक पैर करके ले जाएं. तो यहां पे हाथ रखिए. थोड़ा सा पैर पीछे करिए एंड जंप बैक. जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते जिनने कर लिया वो दैट्स ओके. जो लोग नहीं कर सकते इस तरह से वो क्या कर सकते हैं. एक पैर पीछे दूसरा पैर पीछे. ठीक है और पर्वतासन में चले जाएं इस तरह. रुकिए थोड़ी देर. रुकिए. कोशिश करें टोज हील इस तरह चलाएं. अपने काफ मसल्स को स्ट्रेच करना है. कंधों को भी स्ट्रेच करना है. अब राइट हील नीचे लगाइए इस तरह और लेफ्ट ऊपर उठा लो. रुकिए थोड़ी देर. चेंज करिए. ये स्ट्रेच करें. अब दोनों हील नीचे लगाइए इस तरह. स्ट्रेच योर शोल्डर्स. अब यहीं से सामने देखिए. राइट लेग ऊपर. रुको थोड़ी देर. दोनों हाथों के बीच में ले आइए राइट लेग इस तरह. ठीक है ये 90 डिग्री एंगल यहां से और नी नॉट क्रॉसिंग योर टोज. ऊपर दोनों हाथ ऊपर. रुक जाइए. हाँ डीप ब्रीदिंग. दोनों हाथ खींच के रखिए. हिप्स नीचे पुश करके रखिए. मेक अ आर्च इन योर बैक. ओपन योर चेस्ट. बोथ हैंड्स अप. डीप ब्रीदिंग. होल्ड. कुछ समय और होल्ड करिए. जो लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं वो पिछले हील को ऐसे रख सकते हैं. ठीक है नहीं तो ऐसे रखिए तो ज़्यादा बेटर है. अलाइनमेंट एकदम करेक्ट रहेगा. रुकिए. लास्ट फाइव. डीप ब्रीदिंग. फोर थ्री टू. दोनों हाथ नीचे दोनों पैर आगे इस तरह. ठीक है अब यहीं से चेयर पोज. होल्ड करें. शाबाश. रुकिए थोड़ी देर और. होल्ड होल्ड. डीप ब्रीदिंग. रुकिए. शाबाश. दोनों हाथ नीचे फिर से. तो जो लोग जंप कर सकते हैं जंप. जो एक एक पैर करके ले जा सकते हैं वो एक एक पैर करके ले जाइए. चलिए बैक. पर्वतासन. रुकिए थोड़ी देर. टोज हील चलाइए. वेरी नाइस.
keep going, sabash. Now lift your left leg up. Dono haathon ke beech mein, dono haath upar, is tarah se. Ye hip niche push kariye, dono haath upar uthaiye and hold. Deep breathing, stretch karte rahe dono haath upar. Very nice. Upar dekhiye. Good. Hold. 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 Last five. Deep breathing. Body tight. 4, 3, 2. Dono haath niche. Is tarah se. Very good. Dono pair. Aage. Is tarah se. Dono haath. Upar. Chair pose. Hold. Deep breathing. Rukiye. Sabash. Very nice. Feel gentle pain on your thighs. Hold. 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 Dono haath niche. Dono pair. Jo log ek ek karke le ja sakte hain, ek ek karke jo dono le ja sakte hain. Back. Hold in plank. Here. Deep breathing. Shoulder rest in line. Keep your elbow straight. Stomach in. Squeeze your hips. And make a hollow in your upper back. Just like this. Very nice. आप दोनों हील को, एड़ियों को अपने लेफ्ट साइड गिराइए ऐसे, एंड राइट हैंड आप. वेरी गुड. देखिए जो लोग ऐसे नहीं कर सकते वो अपना नीचे का लेफ्ट लेग ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, तो इजी हो जाएगा थोड़ा. रुकिए थोड़ी देर. वेरी नाइस. जो कर सकते हैं वो ऐसे करिए. सभी को नहीं करना, पता चले सब इजी के चक्कर में नहीं नीचे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. वेरी गुड. नाउ चेंज, ये हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर. नीचे का घुटना जो लोग नहीं कर पा रहे हैं नीचे लगा सकते हैं. रुकिए रुकिए. वेरी नाइस. होल्ड 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 होल्ड. दोनों हाथ नीचे, घुटने नीचे, ऐसे नीचे चले जाइए. वेरी नाइस. इनहेलिंग अप, भुजंगासन, लुक अप. Hold. Keep your elbow bent. Elbow ko bend. Karte rahe, karte rahe, karte rahe. Sabash. Karte rahe. Deep breathing. Very nice. Yes, I'm so sorry. Ek call aa gaya tha, to agar koi issue ho tabhi mujhe call kijiye please. Agar koi issue nahi hai to please do not call because I'm taking a class. So abhi hum bhujangasan mein the sabhi log. Yahan pe. भुजंगासन, एक्सहेल डाउन, वन. फिर से आप, ये एल्बो बैन नहीं रहेगी, ठीक है, और ये एल्बो बाहर नहीं रहेगी किसी की, अंदर की साइड, ठीक है. तो हमें यहाँ प्रेस, प्रेशर फील करना है ट्राइसेप पे स्ट्रेंथनिंग के लिए. डाउन, आप डाउन, आप डाउन, आप डाउन, आप डाउन, आप डाउन, आप डाउन, अप एंड होल्ड. होल्ड करिए कुछ समय यहाँ. ट्राइसेप पे प्रेशर आ रहा है सभी को. वेरी गुड. हाँ, प्रेशर फील करना है. जिसने यहाँ प्रेशर नहीं आया वो ठीक नहीं कर रहे हैं. फिर से करिए. हाँ, रुकिए थोड़ी देर. ओपन योर चेस्ट. डीप ब्रीदिंग. अब यहीं से दोनों पंजे अंदर करिए, पर्वतासन में आ जाइए इस तरह. दोनों हील नीचे लगाइए. अब अपने हाथों को अपने पैरों के पास ले जाना है. हील जमीन से लगी रहेंगी, जितना अंदर ले जा सकते हैं लेके जाइए. और ग्राउंड को प्रेस करते रहें, उंगलियों पे नहीं आना किसी को. ये प्रेस करते रहेंगे जितना अंदर आ सकते हैं, जितना अंदर आ सकते हो आप. एल्बो बैंड नहीं करनी. आइए, काफ मसल्स पे स्ट्रेच फील करिए. वेरी गुड. यहीं से आगे जाइए, दोनों हाथ चला के ले जाइए. अब अपने दोनों पैरों को अपने हाथ के पास लेके आइए, आगे चला के इस तरह लाइए. हील नीचे लगी रहेंगी, अंदर हाथों से जमीन को नीचे प्रेस करके रखिए. लाइए, रुकिए थोड़ी देर. पीछे ले जाइए, पर्वतासन. वेरी गुड. फिर थोड़ा आगे लाइए पैरों को और यहीं से अपने घुटने मोड़ लीजिए इस तरह, और दोनों हाथों के बीच में रख लीजिए इस तरह, ठीक है. हाँ, बड़े ध्यान से देखना इसको. देयर इज़ वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग योर शोल्डर, स्ट्रेंथनिंग योर कोर मसल्स और
हैंड बैलेंसिंग क्लासेस में दिस इज ये जो अभी हम करने वाले हैं ये मेरा एक बहुत फोकस वाला आसन रहता है, ठीक है। इस पर मैं बहुत फोकस करता हूँ, इससे आपके पूरा कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग होती है। तो देखिए आपको करना क्या होता है, इसमें दोनों हाथ घुटने के दोनों साइड रखने होते हैं इस तरह, ठीक है, दोनों साइड ये रख लिए। और उसके बाद ध्यान से देख, एल्बो स्ट्रेट रहेगी, एल्बो बैंड नहीं होगी, और हाथ से ज़मीन को प्रेस करके रखना है नीचे, एल्बो बैंड नहीं करनी है, उंगलियां खोल के रखनी है, ठीक है। और अपने घुटनों को ऊपर उठाना होता है, ठीक है। तो कैसे उठाना है मुझे देख लीजिए एक बार सभी लोग, ये सांस छोड़ते हुए ये, और रुकना है थोड़ी देर, होल्ड 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 डाउन, वेरी गुड। अब करिए ये 5 times करना है हमें, ठीक है, मेरे साथ साथ 5 times करना है। रेडी हैं सभी लोग? ऑल राइट, हाथ रखिए इस तरह, कीप योर एल्बो स्ट्रेट, मेक अ होलो इन योर अपर बैक। चलिए सांस छोड़ते हुए आप रुकिए, होल्ड करें, शाबाश, ज़मीन को नीचे प्रेस करते रहिए, जैसे आप नीचे पुश कर रहे हैं ज़मीन को, होल्ड, एल्बो स्ट्रेट, टोस पे रहिए पंजों पे इस तरह, होल्ड 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 डाउन, वन हुआ है अभी, ठीक है। चलिए फिर से दोनों हाथ नीचे, एल्बो स्ट्रेट, कम अप, होल्ड होल्ड होल्ड, डीप ब्रीदिंग, होल्ड 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 होल्ड, डीप ब्रीदिंग डाउन, वेरी नाइस, 2 times हुआ है, 3 more, फिर से दोनों हाथ नीचे रखिए, एंड एक्सहेल करते हुए कम अप, होल्ड, डीप ब्रीदिंग, मैक्सिमम वेट अपने हाथों पे पुश रखिए, हाथों पे सारा वेट है, होल्ड 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 डाउन, 3, 2 more, शाबाश। अच्छा प्रेशर आ रहा है शोल्डर्स पे और ट्राइसेप पे, कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए फिर से, अभी नहीं करना कमेंट, अभी पहले क्लास करनी है। चलिए चलिए फिर से इनहेल आप, एक्सहेल सॉरी, होल्ड, डीप ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग डाउन, वेरी नाइस, एक बार और इनहेल आप, एक्सहेल सॉरी, होल्ड, लास्ट 5, 4, 3, 2, घुटने नीचे, घुटनों पे खड़े हो जाइए इस तरह, थोड़े से पैर खोल दीजिए। अब देखिए जो न्यू प्रैक्टिशनर हैं वो अपने ये पंजों को ऐसे अंदर कर लो, दोनों हाथ आगे लाइए, और जो एडवांस है वो ऐसे रखिए, ठीक है, ऐसे लाइए दोनों हाथ आगे, सांस भर के सांस छोड़िए, सांस भर के सांस छोड़िए, एंड गो बैक, रुकिए थोड़ी देर, होल्ड करें, होल्ड, डीप ब्रीदिंग, हिप्स को आगे पुश करके रखिए, ऊपर देखिए, होल्ड होल्ड, कम बैक, दोनों हाथ नीचे रखिए इस तरह से, दोनों हाथ मिले हुए इस तरह, देखिए ये दोनों हाथ मिले हुए हैं। अब यहीं से राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक, होल्ड इन प्लैंक, दोनों हाथ मिला के आगे पुश करिए बॉडी को, घुटने नीचे, एंड रैबिट पोज, हिप्स को हील से लगाने की कोशिश करिए पेट अंदर करके, और दोनों कंधों को खींचिए, रुके यहाँ पे थोड़ी देर, डीप ब्रीदिंग हियर, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करते रहें, शाबाश, रुके रैबिट पोज में थोड़ी देर, रुके रहिए, लंबी और गहरी सांस लेते रहें, होल्ड 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 करते रहिए, शाबाश, वेरी नाइस, कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग, रुकना नहीं है किसी को, वेरी गुड, हाँ रिलैक्स करिए थोड़ी देर। अब यहीं से आपको ऊपर आ जाना है थोड़ी देर, रिलैक्स योर शोल्डर्स, दूसरी साइड ये घुमाइए इस तरह, दोनों हाथ आगे, ठीक है, कैट एंड काउ स्ट्रेच, इनहेल, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए,
सांस छोड़िए, एल्बो स्ट्रेट रखना है और एल्बो को ये रोटेट करना होता है ऐसे। ये देखिए हाथ तो यहीं रहेंगे, हाथ ऐसे नहीं करेगा कोई, हाथ इसी तरह रहेंगे, सिर्फ एल्बो को रोटेट कर लीजिए। हाँ ये एक्सहेल, सॉरी इनहेल, एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। अब यहीं से बॉडी थोड़ी आगे पुश शिफ्ट करिए और पीछे रैबिट में चले जाइए। अब थोड़े से हम ये रैबिट पोज है, रैबिट पोज से कोबरा में आएंगे। किस तरह से, एक बार मुझे देख लो सभी लोग, हाथ एकदम सीधे, तो इस तरह से आते हुए सांस भर के ऊपर, ठीक है, सांस छोड़ के हाथ से यहीं से पीछे। चलिए सभी लोग 10 टाइम करेंगे मेरे साथ, स्टार्ट। चलिए अप बैक 1, अप बैक 2, अप बैक 3, अप बैक 4, अप बैक 5, अप बैक 6, अप बैक 7, कीप गोइंग, अप बैक 8, करते रहे रुकना नहीं है, अप बैक 9, वरुण अप होल्ड हियर। अब आपको एल्बो स्ट्रेट करने हैं, कंधे नीचे गिरते हुए, डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लेते रहिए, एक्सहेल रैबिट, वेरी गुड, रुके थोड़ी देर, वेरी नाइस। अब यहीं से ऊपर देखिए इस तरह, और आपको 10 बेबी क्रो पुशअप्स करने हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां से आगे जाएंगे आगे, और पैर आपके ऊपर उठते रहेंगे, ध्यान से देख लो, ये आगे आए और यहीं से पीछे जाना है, 1 इस तरह, ठीक है, एक बार वो देख लीजिए, श्वास भर के श्वास छोड़ के पीछे। चलिए स्टार्ट करें 10 टाइम, 1 2, चलते रहिए, 3, ये ऊपर नहीं जाना, ऊपर जो लोग जा रहे हैं यहां से पीछे जाना है, 4 5 6 7 8 9, रुकिए थोड़ी देर, एंड 10, रुक जाइए, वेरी गुड, होल्ड हियर, धीरे से पीछे आइए, वेरी गुड, थोड़ा कंधों को रिलैक्स करें, घुमाइए शोल्डर्स, दूसरी साइड, वेरी नाइस। अब यहीं से अपने दोनों पैर आगे ले जाइए। अभी हम नेक्स्ट योगा सेशन जो करेंगे वो करेंगे हम ट्रेडिशनल योग पे। ये तो अभी हम स्ट्रेंथ योगा के कुछ पोस्चर थे, अभी हम ट्रेडिशनल योग पे करेंगे नेक्स्ट सेशन। चलिए इसको करते हैं, अभी 2-3 रिलैक्सिंग आसन करके प्राणायाम और रिलैक्सेशन। तो जो लोग हमें ये क्लास कर रहे हैं, किसी को भी जाने की परमिशन यहाँ से नहीं है, क्योंकि प्राणायाम और रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई पे इस तरह रख लीजिए, ठीक है, बॉडी एकदम स्ट्रेट, दोनों हाथ सांस भर के ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट, सांस छोड़ के नीचे, गो डाउन, जानु शीर्षासन, और थोड़ा नीचे, जितना नीचे जा सकते हैं जाइए, काफ़ी लोग हाथ आगे नहीं ले जा सकते, वो यहाँ पकड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, विद प्रैक्टिस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहती है। चलिए जाइए, डीप ब्रीदिंग करते रहें और थोड़ा आगे जाएं, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे। अब दूसरा पैर सेम इसी तरह, दूसरा पैर करें, और
21 दिन का, जैसे मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ कि हमें कोई भी एक रेजोल्यूशन रखना है, अपनी कहावत को उसको प्रूव करना है कि कोई भी अगर आप चीज़ करना चाहते हो, किसी को अपनी आदत बनाना चाहते हो, तो उसके 21 दिन तक फॉलो करिए। और 21 दिन का ये हमें ये समय मिला हुआ है, द बेस्ट टाइम, इसको यूटिलाइज़ करिए, चरित्र का निर्माण करें। एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के साथ जब आप निकलेंगे घर से, एक शक्तिशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए एकदम, कि जो आपने मन में सोच लिया। विल पावर कैसे स्ट्रांग करें, बहुत लोग इसकी क्लासेस लेते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस भर के सांस छोड़ के नीचे, एंड गो डाउन, नीचे जाइए जितना जा सकते हैं। तो इस समय का इस्तेमाल करना सीखिए। हाउ डज ए योगी थिंक, योगी कैसे सोचते हैं, चीज़ों में नेगेटिविटी बहुत लोग ढूंढते हैं, पॉजिटिविटी ढूंढिए, ठीक है। अगर आप, क्योंकि आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, और नेगेटिव चीज़ें ढूंढ के आप चीज़ों को और ख़राब ही करोगे, अपना बीपी बढ़ाओगे, स्ट्रेस बढ़ाओगे, टेंशन बढ़ाओगे। पॉजिटिव चीज़ें जब आप ढूंढोगे तो कितना अच्छा लगेगा, या आपको पॉजिटिविटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो डिसीजन इज़ योर्स कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है। थोड़ा और नीचे जाइए, इनहेल आप, एक्सहेल बोथ हैंड्स डाउन, दोनों पैर आगे, पश्चिमोत्तानासन। पंजों को अपनी तरफ खींच के रखिए, ये ऐसे ऐसे ना रखे कोई, इस तरह रखिए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए, पेट अंदर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, सांस छोड़ के नीचे जाइए, इतना जहाँ तक जा पा रहे हो, यहाँ तक जा पा रहे हो कोई बात नहीं। एक दूसरे को देख के, फ्लेक्सिबिलिटी देख के ये मत सोचिए इतना आगे जा पा रहे हैं, हम आगे नहीं जा पा रहे। हो सकता है उसकी प्रैक्टिस आपसे ज़्यादा हो, ठीक है, तो जाइए थोड़ा और आगे जाइए, जितना आगे जा सकते हैं। जो फ्लेक्सिबल है वो नीचे सर लगा दो, जो नहीं है वो यहाँ रुक जाइए। हाँ, वेरी गुड, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ के दोनों हाथ पीछे रखिए, घुटनों को मोड़िए इस तरह, हिप्स को ऊपर उठाइए, ये ऊपर देखिए, हिप्स और ऊपर उठाइए, एल्बो स्ट्रेट रखिए, होल्ड, सांस छोड़ के अपने हिप्स को हाथों के बीच में ले जाना है यहाँ, ठीक है, समझ आया। चलिए फिर से सांस भर के ऊपर आ जाइए, रुकिए थोड़ी देर, सांस छोड़ के पीछे जाइए, रुकिए थोड़ी देर, फिर से सांस भर के ऊपर आइए, रुकिए थोड़ी देर, रुको, डीप ब्रीदिंग, होल्ड 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 एंड डाउन। लास्ट आसन, बोट पोज, दोनों पैर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, मेरे 20 काउंट तक रुकना है सभी को, कोशिश करिए, 1 2 3, किसी एक पॉइंट को सामने देखते रहिए, 4 5 6 7 8 9, कीप गोइंग, 10, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड डाउन। दोनों हाथ पीछे रखिए, मेक आर्च इन योर बैक, वेरी नाइस, गुड। आप थोड़ा पहले तो बटरफ्लाई करिए थोड़ी देर, या इस तरह से यहाँ, ठीक है, करते रहें, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, बटरफ्लाई में करते रहिए थोड़ी देर, बटरफ्लाई करिए थोड़ी देर। तो ये आसन का हमारा सेशन हो चुका है, अभी हम प्राणायाम का सेशन शुरू करने वाले हैं। बटरफ्लाई करिए थोड़ी देर, बटरफ्लाई करते रहें, करते रहें, करते रहें, कतर नहीं, रुकना नहीं है किसी को भी। हाँ, वेरी नाइस, चलिए थोड़ा सा ट्विस्टिंग और कर लेते हैं बस इसमें। तो किस तरह से ट्विस्टिंग करना है, किसी भी एक आसन में, सुखासन में, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन, किसी में पद्मासन, जो बैठ सकते हैं, इस तरह से बैठ गए, राइट हैंड से लेफ्ट नहीं पकड़ा, पीछे ट्विस्ट करिए इस तरह, राइट हैंड से लेफ्ट पकड़ा, लेफ्ट हैंड पीछे रखा है, और ट्विस्ट, कंधे को ट्विस्ट करिए, पीछे देखिए, नाउ चेंज, दूसरी साइड ट्विस्ट, और पीछे ट्विस्ट करिए, रुकिए थोड़ी देर, एंड रिलैक्स। चलिए अब सीधे बैठ जाइए, ये ज्ञान मुद्रा, इसको लगाइए, हथेलियाँ ऊपर की ओर, उंगलियों को थोड़ा मोड़ के रखिए, कमर गर्दन सीधी रखिए,
और डीप ब्रीदिंग करेंगे। देखिए आंखें बंद रखनी है, आंखें बंद करके आपके दोनों जो आईबॉल्स हैं वो आपके थर्ड आई सेंटर पे देखना है, आंखें बंद करके वहां ध्यान रखिए पूरा। तो आंखें बंद करिए तो किस तरह से आईबॉल्स को ले जाना है, इस तरह देखिए, मुझे देख लीजिए एक बार, हाँ सनलाइट मेरे फेस पे पड़ रहा है, तो यहां से जी यहाँ, तो आंखें बंद करके यहाँ फोकस रखना है और कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति मतलब एक्सहेल पे फोकस रखना है पूरा, एक्सहेल आउट पूरा, और जब आप सांस छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है, ठीक है। और अपनी जीभ को ऊपर तालू से लगा के रखिए, ठीक है। तो ये ऊपर आप दोनों आंखों आईबॉल्स को ऊपर थर्ड आई सेंटर पे लगाते हैं, जैसे शांभवी मुद्रा, और जीभ को ऊपर मोड़ के तालू से पीछे की साइड लगाते हैं, दस खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा का भी अभ्यास किया जाता है, शांभवी मुद्रा, ये काफ़ी एडवांस मुद्राएं हैं और इनका बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है तब ये जाके मुद्रा लगती है, इतना इजीली नहीं होता। सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। करत करत अभ्यास ते जर्मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान, ठीक है। तो अभी ये काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी को नहीं आया, इसका मतलब क्या है। कपालभाति करते रहिए, बातें सुनने लग जाते हैं, मैं बोलता रहूँगा। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा, गांव में जो लोग रहे हैं उन लोगों ने तो ज़रूर देखा होगा, आजकल की जनरेशन तो नहीं जानती कि पानी भरने हम कुएं से जाते थे पहले, पानी भरने जाते थे तो वहाँ पर रस्सी से पानी खींचा जाता था, तो ऊपर पत्थर होता था कुएं के चारों तरफ, रस्सी कितनी सॉफ्ट होती है, पत्थर कितना हार्ड होता है, बट वो रस्सी से जब भी पानी खींचते थे ना तो कुछ समय के बाद उस पत्थर पे बहुत गहरे गहरे गड्ढे बन जाते थे, ठीक है। तो यही मतलब है, करत करत अभ्यास थे जर्मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान, कि अभ्यास करने से तो अगर मूढ़ बुद्धि भी है वो भी बुद्धिमान हो जाता है। जैसे रस्सी के आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ सकता है, वो लगातार आती जाती है ना, अभ्यास ही तो है, वो लगातार करती है रस्सी, आ ऊपर नीचे तो पत्थर पे निशान पड़ जाता है। इसी तरह से अभ्यास करने से कुछ भी हो सकता है। तो करते रहिए कपालभाति प्राणायाम, और अभ्यास और वैराग्य का बहुत ही अच्छा वर्णन महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में भी किया है कि जो योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये योग की परिभाषा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, ठीक है। तो ये जो चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे हो सकता है, तो वो अभ्यास और वैराग्य से हो सकता है। अभ्यास करेंगे और चीज़ों से राग हट जाएगा, ठीक है। ये चलिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, ठीक है। तो दो उंगलियों को अपने माथे पे रखिए इस तरह, पहली दो फिंगर्स, ठीक है, रख लिया। अब दाएं अंगूठे से दाएं नोस्ट्रिल को बंद करें, सांस लें लेफ्ट से, लंबा सांस लेना है। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट को बंद कर दीजिए और अंगूठे से बाहर निकालिए सांस को, सॉरी राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकालिए सांस को। फिर राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से बाहर, जिससे बाहर गया उसी से इनहेल। तो इसमें देखिए साउंड नहीं आना चाहिए, मुझे थोड़ा करना पड़ता है जिससे मैं आपको आवाज़ जा सके। साउंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए, बॉडी में कहीं कोई हलचल नहीं होगी, सिर्फ ब्रीद इन और ब्रीद आउट होता है। आंखें बंद रखिए सभी लोग, स्टार्ट करिए, चलिए करते रहें शाबाश, कीप डूइंग, अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहिए। करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहेंगे, करते रहें।
अपनी सांसों को अपने स्पाइन तक जाते हुए फील करिए। जब आप इनहेल करते हैं तो अपर स्पाइन से लेकर लोअर स्पाइन तक सांसें जा रही हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो लोअर स्पाइन से धीरे धीरे सांसें ऊपर आ रही हैं, नोस्ट्रिल से बाहर जा रही है। अभ्यास करते रहें। हैंड रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, लंबी और गहरी सांस के साथ अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो देखिए, पहली फिंगर आईब्रो के ऊपर, दूसरी फिंगर अपने आई पर, तीसरी फिंगर थोड़ा नीचे, फोर्थ फिंगर नोस्ट्रल के पास। अंगूठों से कान को बंद करना है, जीभ को ऊपर रखना है, ठीक है, तालू से लगा के सांस भरना है, सांस छोड़ते हुए ये साउंड क्रिएट करना है। अब ये साउंड क्रिएट करके करना क्या है, एक वाइब्रेशन आपको ब्रेन में फील होगी, उस वाइब्रेशन पे पूरा फोकस लगा के रखना है। चलिए स्टार्ट करें। और रिलैक्स। चले सभी लोग अपने मैट पर पीछे की साइड लेट जाइए। लेट जाना है, रिलैक्सेशन करना है थोड़ी देर। लेट जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के एक एक हिस्से, एक एक अंग को ढीला छोड़ दे। अपने ध्यान को अपने शरीर के एक एक हिस्से पर लेकर जाइए। पैरों के पंजों को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पैरों में लगभग एक फुट का फासला। दोनों हाथ शरीर के दोनों तरफ और हथेलियां ऊपर की ओर। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। Surrender to your mat completely. Deeply inhale and exhale. Lambi, lambi swaas le. और लंबी लंबी सांस छोड़ें। अपना पूरा ध्यान अपनी
श्वासों को देखने में लगाएं। आती और जाती हुई श्वासों को देखिए। प्रत्येक श्वास के प्रति जागरूकता बनी रहे। और अनुभव करें कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपके पेट की मांसपेशियां ऊपर की ओर फूल रही हैं। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपके पेट की मांसपेशियां अंदर की ओर सिकुड़ रही हैं। पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस करते रहें। और लंबी लंबी सांस लेते रहें। अनुभव करें कि प्रत्येक आने वाली श्वास के साथ आपके पूरे शरीर में ऊर्जा, शक्ति और पॉजिटिविटी प्रवेश कर रही है। And exhale out all your problems, all your stress, all your tension. सारे नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार अपने शरीर से बाहर फेंक दीजिए। पूरा शरीर शांत और शिथिल हो चुका है। मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। Relax, relax, relax. और अब लंबी गहरी सांसों के साथ अपने ध्यान को अपने सर से पैरों तक लाइए, पैरों से सर तक ले जाइए, सर से पैरों तक लाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, खींचिए पीछे, पैरों को नीचे खींचिए एंड रिलीज। अब लेफ्ट साइड करवट लें और ऊपर बैठ जाएं सभी लोग। आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाकर तीन बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे सभी लोग। चलिए स्टार्ट। दोनों हाथों को तेजी से रगड़िए, गर्म करिए हथेलियों को, चेहरे पे मसाज करें धीरे धीरे, चेहरा, गर्दन, कंधे, लोअर बैक, थाइस, घुटने, एंकल। एक बार फिर से हथेलियों को रगड़िए, हथेलियाँ आंखों पे इस तरह रख लीजिए, उंगलियों के बीच से धीरे धीरे आंखें खोलनी है, दोनों हाथ नीचे, लेफ्ट साइड ट्विस्ट, राइट साइड ट्विस्ट, आगे जाइए।
पीछे जाइए, दोनों हाथ घुमाइए एंड टू योर हार्ट सेंटर. नमस्कार, थैंक यू. चलिए तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये सेशन. अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को लाइक करें वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा. यूट्यूब पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा पे, और रिव्यूज़ लिखिए हमारे फेसबुक पेज पे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे. तो शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें इस वीडियो को. चलिए मेरी नेक्स्ट क्लास का समय हो रहा है. थैंक यू, स्वस्थ रहें, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए. धन्यवाद, थैंक यू.